8 महीने की जांच तो बाद पिछले हफ्ते मारे गए छापिया में कानूनी हिस्सों की वरतों करके गैर कानूनी हैंडगन्स तैयार करने उन्होंने वेचण वाले गिरोह का पर्दाफाश होया। यह जानकारी ओंटेरियो प्रोविंशियल पुलिस ने दी है। पुलिस का मानना है कि इस ग्रुप वालों 120 हैंडगन्स तैयार करके इलाके में मुजरमान वेचिया गई। एक घर में तैयार की गन सन जिन्होंने सीरीयल नंबर राही ट्रेस नहीं किया जा सकता। इस रुझान का इतने काफी चलन हो गया। ओपीपी डिप्टी कमिश्नर रिक ने आख्या कि इस मामले न जुड़िया सारियां गतिविधियां संगठित जुलम वल इशारा करदियां ने। फोर्स वालों 23 व्यक्तियों खिलाफ 150 चार्ज लगाए गए। इन्हां कोलों हासिल समान विच 14 हैंडगन्स, 6 लोंग गन्स जिन्हां विचों एक मशीन गन अते एक असॉल्ट राइफल, ग्रनेड साइलेंसर्स अते स्टेन गन तो इलावा बुलेट प्रूफ जैकेट भी शामिल सी। सुपरिटेंडेंट का कहना है कि यह हैंडगन्स निरोल रूप विच कैनेडा विच तैयार कीतियां गईयां अते इन्हां दे हिस्से कानूनी तौर उत्ते देश ते विदेश तो खरीदे गए। उन्हां दस्सिया कि बेचे गए एक हथियार की कीमत $25,000 तक सी। मिली लोप ने आख्या कि इन्हां अनियंत्रित हिस्सों नूं जोड़ के पाबंदी शुदा हथियार भी बनाए जा सकते हैं। यह साडे लिए चिंता का वड्डा विषय है ते इसका हल लभण लई असी नीति घड़ नाल रल के कोशिशां कर रहे हाँ। उन्हां दस्सिया कि अजिहियां गैर कानूनी गन्स नूं ट्रेस करन लई 5 होरना इलाकियां दीआं फोर्सेज नाल रल के ओपीपी वल्लों अप्रैल दे महीने प्रोजैक्ट रैनर शुरू किया गया सी। उन्हां दस्सिया कि जांच तो बाद दो कथित रिंग लीडर्स रॉकवुड ओंटेरियो दे 47 साल ब्रूस मैकेन ते स्मिथविल ओंटेरियो दे 29 साल जॉन दे नां सामने आए ने। इन्हां हरेक उत्ते 2 दर्जन तो वध चार्जेस हन। पिछले हफ्ते पुलिस ने कई सेनावां दे 400 तो वध अधिकारियों की मदद नाल 39 थावां ते छापे मारे। पुलिस ने दस्सिया कि उन्होंने 1.2 किलो कोकीन, 30 ग्राम मैथा मैमफेमाइन, 13 ग्राम हैरोइन, 64 फेंटानिल टैबलेट्स अते $85,000 नकद हासिल होया। इस तो इलावा होर संपत्ति ते 4 गड्डियां भी मिलियां हन। Absolutely zero other reason to have these handguns but to harm, hurt others, or forward commit criminal enterprise.